हेलो गाइस, मेरा नाम अश्विनी है और मैं बर्लिन स्कूल ऑफ बिजनेस एंड इनोवेशन में पढ़ाई करता हूँ। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ इंडो कैनेडियन बस सर्विस के बारे में। ये बस सबसे पहले मैंने बुक की थी, मतलब हफ्ता पहले मैंने बुक की थी, और जो मेरी जर्नी थी वो थी 5 दिसंबर 2022। तो बस वैसे तो ये अमृतसर से न्यू दिल्ली एयरपोर्ट के लिए चलती है, टर्मिनल 3, जहाँ की इंटरनेशनल फ्लाइट्स जाती हैं जहाँ से। तो मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि आप इंडो कैनेडियन की अगर आप बस कर लो स्लीपर क्लास, तो वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होती है। तो आज मैं आपको उसके बारे में बताऊँगा वो कैसी थी बस, और आपको अंदर से भी दिखाऊँगा कि बस में क्या क्या फैसिलिटीज़ थी और आपको उससे ट्रेवल करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो, जिसमें मैं आपको सारी डिटेल्स बताता हूँ। तो जो मैंने अपनी जर्नी की थी वो 5 दिसंबर को की थी, और जो उसकी कॉस्ट आई थी वो आई थी 2800 इंडियन रुपीज़। और वो बस मुझे पिक करनी थी राजपुरा से, बस ने मुझे पिक करना था। और मैं चंडीगढ़ से हूँ, तो चंडीगढ़ से मुझे एक कैब दी, और वो कैब प्रोवाइडेड थी, इंडो कैनेडियन ने ही करवाई थी वो कैब मुझे प्रोवाइडेड। और उस टैक्सी ने मुझे राजपुरा छोड़ा, और जहाँ से मुझे इंडो कैनेडियन की बस ने पिक किया। तो लगेज वगैरह तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से रखा था, और उसके अलावा सीट्स भी ठीक थी, नॉर्मल थी। ये मैं नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं, बट वो आपको खाने का कुछ नहीं देते, वो सिर्फ आपको सिर्फ एक पानी की बोतल देते हैं, और उसके अलावा इंडो कैनेडियन कुछ नहीं देता, सिर्फ आपको एयरपोर्ट टर्मिनल 3 तक पहुँचा देता है। तो आगे मैं आपको वीडियो भी डाल दूंगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि अंदर से कैसी है इंडो कैनेडियन बस, और कॉस्ट तो मैंने आपको बता ही दिया। और मेरी जर्नी थी रात की 1:25 पे जर्नी शुरू होनी थी, और जो कि सुबह 9 बजे ख़त्म होनी थी, बट बस ने हमें काफ़ी जल्दी पहुँचा दिया, हमें 1 घंटा जल्दी पहुँचा दिया बस ने, और 8 बजे मैं न्यू दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पे पहुँच गया था। सुबह का टाइम होता है, रश कम होता है, तो इसलिए ठीक है। बाकी आप डिसाइड कर सकते हैं आपको इस बस से ट्रैवल करना है या नहीं। ये खरड़ की वो लोकेशन है जहाँ से बस ने मुझे मेरे को पिक किया था। तो मेरा सफ़र शुरू होता है जब मैं अपनी कैब का वेट कर रहा था खरड़ फ्लाईओवर के नीचे। वहाँ से एक इनोवा ने मुझे पिक किया, जिसकी स्पीड तो रात के टाइम ट्रैफिक नहीं था तो काफ़ी अच्छी थी, और इसने सिर्फ मुझे आधे घंटे के अंदर राजपुरा पहुंचा दिया ईगल मोटल के पास, जहां से इंडो कैनेडियन की बस ने मुझे पिक करना था। और ये आ गई अपने चितकारा यूनिवर्सिटी, जिसे देखते ही मुझे काफ़ी ज़्यादा सुकून मिला, क्योंकि मैंने यहाँ पर अपनी ज़िंदगी के 3 साल गुजारे हैं और वो समय काफ़ी अच्छा था। और ये देखिए आप, हम जाते हुए इंडो कैनेडियन बस के अंदर, मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। ये सबसे पहले हमने खोला अपना दरवाज़ा। दरवाज़ा खोलने के बाद आपको दोनों साइड स्लीपर क्लास दिखाई देगा। राइट साइड ओनली सिंगल बंदे की सीट है, और लेफ्ट साइड दो लोगों की है, नीचे भी 2 पर्सन एंड ऊपर भी 2 पर्सन। और ये वाली थी मेरी सीट, जो कि सबसे लास्ट में थी और सबसे ऊपर की थी। यहाँ से नज़ारे बहुत अच्छे दिखे मुझे। ये जब यहाँ हवेली पे रुकी थी ये बस, ये रुकती है यहाँ पे आधे घंटे के लिए, जिसमें आपको टॉयलेट करना होता है और फ्रेश भी आप हो सकते हैं। और ये मेरी सीट का थोड़ा पास से नज़ारा, आप देखिए कि इनकी सीट्स कंफर्टेबल हैं और ठीक है 2800 के हिसाब से। और ये जब हम दिल्ली एयरपोर्ट पे एंटर किए, आप देख सकते हैं कि ऊपर वाली सीट से कितना अच्छा नज़ारा दिख रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के लिए ये अच्छे नज़ारे कैप्चर कर लूँ। आप इन्हें देखिए और इन्जॉय करिए हमारे इस वीडियो को।
हेलो गाइस, तो आप मुझे प्लीज़ बताएं कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये मेरी फर्स्ट वीडियो।